और आज नीतीश कुमार की दो अहम बैठकें हैं। आज मोदी 11:30 बजे आज माफ कीजिएगा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलेंगे और शाम को 4 बजे अमित शाह से मिलेंगे। नीतीश के इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है और एग्जिट पोल के मुताबिक इस गठबंधन को अच्छी कामयाबी मिलती बिहार में दिखाई दे रही है। चार बजे ये मीटिंग का टाइम फिक्स किया गया है। नीतीश कुमार आज दिल्ली में मौजूद है नतीजों से पहले। दिल्ली में ये अहम दो बैठकें, अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलता है या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता है। रोहित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, एक नहीं दो दो मुलाकातें हैं आज नीतीश कुमार की। जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के नतीजे आने के अगले दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि कल वो दिल्ली रवाना हो गए थे और इस समय वो दिल्ली में ही हैं। और अब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुरू हो गई है। और माना जा रहा है कि कल जब नतीजे आएंगे तो नतीजों से ठीक पहले नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार की वापसी हो सकती है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार की फिर आगे क्या भूमिका रहेगी, क्या वो बिहार में मतलब मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उनका कोई और भी प्लान हो सकता है, क्या वो दिल्ली की राजनीति में जा सकते हैं। ये सब तमाम जो कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं और इसी बीच उनकी प्रधानमंत्री के साथ अभी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण, और शाम 4 बजे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। और एक खबर ये भी है कि 10 जून को फाइनेंस कमीशन की टीम पटना आने वाली है, जहां पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज को लेकर भी जो है वो मीटिंग होनी है, तो उसको लेकर भी माना जा रहा है कि इन दोनों बैठकों में चर्चा होगी। लेकिन कल नतीजों से ठीक पहले जो ये बैठक हो रही है कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये बहस औपचारिकता है या फिर बिहार में जिस तरीके से अब एग्जिट पोल के आंकड़े इशारा कर रहे हैं उसको लेकर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, इसी से उत्साहित होकर नीतीश कुमार ही मीटिंग कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। ये जरूर तय है कि फाइनेंस कमीशन की जो टीम जा रही है और वो वहाँ पर जो है जाकर रेकी भी करेगी और सारी चीज़ों को देखने जांचने परखने के बाद ये तय किया जाएगा कि कितना बड़ा पैकेज जो है वो बिहार के लिए दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा ये मांग करते रहे हैं कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जब भी वो एनडीए में छोड़कर जाते हैं वो यही बात कहते हैं कि उन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए किसी भी स्टेट के लिए, वो हिली स्टेट होना चाहिए या अन्य जो कंडीशन है वो फुटफिल बिहार की तरफ से नहीं हो पाती हैं, और इसीलिए उन्हें विशेष पैकेज तो दिया जा सकता है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार अगर दिल्ली आए हैं तो बिहार की जो राजनीति है उस पर चर्चा भी होगी। जो बात रोहित कह रहे थे, क्या नीतीश कुमार अब दिल्ली का रुख करेंगे या वो ये भी बात करने आए हैं कि जेडीयू की तरफ से कौन जो है मंत्रिमंडल में शामिल होगा। हम सबको ध्यान होगा कि 2019 में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो जेडीयू की तरफ से कोई भी मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल नहीं हुआ था। उसके कई कारण थे, क्योंकि उस वक्त बड़ी लंबी लिस्ट थी। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह थे, आरसीपी सिंह थे, संतोष कुशवाहा थे, कौशलेन सिंह थे, ये तमाम फहरिस्त बड़ी लंबी थी। और 2021 में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो उसमें जो है आरसीपी सिंह जो है वो मंत्री बने थे जेडीयू के कोटे से। नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि इस बार जेडीयू के कोटे से जो मंत्री बने उनसे कंसल्ट होके हो और उसमें एक की जगह दो सीटें जो है वो जरूर चाहेंगे कि एक केंद्रीय मंत्री या एक स्वतंत्र प्रभार और एक जो है राज्य मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम अर्पिता ये कहा जा सकता है नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल हो जाए इसको लेकर काफी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो नतीजे भी नहीं आए।